A very good morning to all of you. आज मैं जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन वीडियो बनाने में. अभी जस्ट उठी हूँ, अब जाके ब्रश करूँगी, देन आप सबसे मिलती हूँ. बाय बाय. सो गाइस, मैं अब आ चुकी हूँ, जा रही हूँ टूथ ब्रश करने, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. ओके वेट. पतंजलि का दंत कांति यूज करती हूँ, आप लोग कौन सा यूज करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके सो तब तक के लिए बाय बाय. आफ्टर ब्रश आप लोगों से मिलती हूँ. बाय फ्रेंड्स. मैं अब आ गई हूँ अपनी किचन में. मैंने अपना देखिए नाश्ता तैयार कर लिया है, चाय भी बना लिए है, और अब जा रही हूँ इसको चाय इसमें छानेंगे, देन उसके बाद पिएंगे. तो अभी आपको मैं बाहर मिलती हूँ. सो गाइस, मैंने अपना जो नाश्ता है वो प्रिपेयर कर लिया है. अब मैं इसको करने के बाद में आपसे मिलती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय. सो हाय गाइस, सो फाइनली मैंने अपना सारा काम जितना भी था घर का और नाश्ता वगैरह सब कर लिया है. अब ये हो रहा है मेरा बात करने का टाइम, तो मैं बात करने जाऊंगी, फिर वहां से आकर फिर कुछ हाँ फिर पूजा करूंगी, फिर उसके बाद में फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में अपने डेली रूटीन का जो भी वर्क होता है वो करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. सो गाइस, फाइनली मैं अपनी बात करके आ चुकी हूँ. अब कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे डेली छत पे डालने जाने रहते हैं सूखने के लिए, तो ये मेरा डेली रूटीन है. क्योंकि सारे कपड़े जितने भी घर के रहते हैं, मम्मी पापा मेरी बहन और मेरे, सबके मैं ही डालने जाती हूँ सूखने के लिए. तो फिर चलते हैं मेरी छत पे, और आपको वहाँ पर मैं अपना फेवरेट एरिया भी दिखाऊंगी जहाँ पर मैं शाम को डेली जाती हूँ थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए. ओके लेट्स गो. सुबह से मैंने अपने हेयर्स कॉम नहीं किए, थोड़ा बहुत फेस पे जो क्रीम वगैरह अप्लाई करनी हुई वो करेंगे, फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे खाने पे. तब तक के लिए बाय बाय. सो गाइस, फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं. अब मेरा एक पूजा का टाइम है, तो अब मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे. बाय बाय. सो गाइस, फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं. ये है मेरे घर का एक छोटा सा कॉर्नर जहाँ पे पूजा करते हैं हम लोग. अब आपको मैं पूजा करने के बाद मिलूंगी. सो गाइस, आई एम बैक माय किचन. अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरे मामा जी आते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ. अभी आपका नाश्ता. ओके हाय बोलिए मेरे व्यूवर्स को. हाय हाय हाय. सो गाइस, नाउ आई रीच्ड ऑन द अनदर कॉर्नर ऑफ माय होम, जहाँ पे मैं अपना हेयर्स कॉम करूँगी, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला. अब थोड़ा सा टाइम मिला है अपने स्किन केयर के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फेयर लिप लगाती हूँ फेस पे एंड हेयर्स सिंपली ऐसे ही काम करूँगी. उससे ज़्यादा मैं कोई मेकअप करती नहीं हूँ, सिंपल रहती हूँ. सिंपलिसिटी मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं पसंद. तो अभी मैं आपको आफ्टर कॉम मिलती हूँ एंड थोड़ा सा स्किन पे भी. ओके बाय. सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं. अब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अब हम जाएंगे और खाना खाएंगे. खाना
खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैं अपनी कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगी बचपन की. ओके बाय बाय. सो गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. अपना खाना फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ. ओके सो फाइनली गाइस मैं खाना खा के आ चुकी हूँ और अब मैं रेस्ट करूँगी. एक दो घंटे रेस्ट करती हूँ खाना खाने के बाद में, फिर उसके बाद में उठती हूँ, फिर जो भी वर्क रहते हैं उनको फिनिश करती हूँ और फिर जो अपना वर्क है. आपको मैं अपनी बचपन की पिक्स दिखाऊंगी बट थोड़ी देर बाद, तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगी. ओके बाय बाय. सो हेलो गाइस आई एम बैक. मैंने रेस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया. अब इवनिंग हो रही है तो आज मुझे जाना था अपने हेयर कट करवाने, तो अभी थोड़ी देर में मैं घर से रेडी होके हेयर कट करवाने के लिए निकली हूँ क्योंकि मेरे हेयर्स हैं काफ़ी डैमेज हो चुके हैं. तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि आज जाएंगे हेयर कट करवाने, तो अभी जाएंगे. सो मिलते हैं आफ्टर हेयर कटिंग. ओके और आपको दिखाना था, आई एम सो सॉरी, आपको दिखाना था मेरी बचपन की पिक्स बट नहीं दिखा पाई क्योंकि जो अलमीरा की चाबी है मुझे मिल नहीं रही है. कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पक्का, आई प्रॉमिस. ओके बाय बाय. तो हेलो गाइस अब हम लोग जाएंगे मेरे हेयर कट करवाने. मैं और मेरी मम्मी यहीं बगल में थोड़ी सी दूर पे है पार्लर, सो वहाँ पे जाएंगे और हेयर कट करवाएंगे. ओके अभी फिर चलते हैं. सो गाइस आपको अभी मिलते हैं हम आपका हेयर कटिंग, मैं आपको अपने हेयर कट का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी. ओके ठीक है बाय बाय. सो हेलो गाइस मैं आ गई हूँ अपने हेयर कट करवा के. ये देखिए काफ़ी लॉन्ग थे बट अभी शॉर्ट हो गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा हेयर कट कैसा लगा. ठीक है बस फिर अभी ये नाइट में ओके बाय बाय. सो गाइस मैं जैसा कि आपको बताया था कि मैं डेली शाम को अपने छत के कॉर्नर वहाँ पे जाती हूँ, मोस्टली भी मैंने दिखा पाई थी बट अभी मैं दिखाती हूँ आपको कॉर्नर के चलते हैं. अच्छा पे मेरे फेवरेट कॉर्नर पर चलेंगे आप. अपने छत पर का सबसे बेस्ट कॉर्नर लगता है. आइए चलते. हाँ तो यही वो कॉर्नर है जो मुझे मेरे छत का. सो कैमरा सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, सो यही वो कॉर्नर है जहाँ पर मैं थोड़ी शाम को आके थोड़ी देर चिल करती हूँ और फ्रेश एयर यहाँ पर मिलती है और शाम को बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे चिड़िया वगैरह और बहुत सारी चीज़ जाते हैं, सब लोग आते जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. आपको मैं बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लुक आता है. जस्ट मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. गाइस ये देखिए ये क्योंकि यहाँ ये मेरी कॉलोनी है, ये देखिए और ये सामने प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, इसमें इतने सारे ट्रीज़ हैं ग्रीन सारे ट्रीज़ हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है. इवनिंग में आके यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेश एयर मिलती है और फिर ऊपर से बहुत सारे पक्षी वगैरह जाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारी बर्ड्स और डिफरेंट वैराइटीज़ के बर्ड्स जाते हैं वो देखने में, और इधर से ये सनसेट दिखता है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है. हेलो गाइस आई एम बैक और अब मेरा खाना खाने का टाइम हो गया है, तो चलते हैं किचन में और खाना लेके आते हैं, देन उसके बाद में खाएँगे एंड देन थोड़ी बहुत अपनी मूवीज़ और या सीरियल्स कुछ भी देखेंगे, न्यूज़ भी देखती हूँ मैं कभी.
रियली सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं आपको अपनी बचपन की पिक्स नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक तो चाबी नहीं मिल रही थी उसकी अलमीरा की, और दूसरा कि मैं अपना हेयर कट करवाने चली गई थी तो मुझे